ढोलकपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में पानी और बिजली की बहुत समस्या थी। इसके बाद भी ग्रामीण अपना जीवन जैसे तैसे व्यतीत कर रहे थे। गांव में सावन नाम का एक भूत रहता था। सावन अपनी पत्नी रेखा और बच्चे पिंटू के साथ रहता था। सावन घर घर जाकर निकर बेचता था और उसी से कुछ न कुछ कमा लेता था, जिससे किसी तरह उसका घर चलता था। सावन काम से देर रात लौटता है, तभी पिंटू अपने पापा से कहता है, पापा पापा, मैं कल कैसे स्कूल जाऊंगा? मम्मी ने तो किताब लाया ही नहीं। क्यों? किताब के लिए तो मैंने पैसे दिए थे। हाँ, लेकिन घर में पानी नहीं था, इसीलिए सारे पैसे पानी लाने में खर्च हो गए। पता नहीं इस गांव में पानी की समस्या कब खत्म होगी। कैसे खत्म होगी, यहाँ पानी का कोई स्रोत ही नहीं है। सरकार ने जो नल लगाए थे वो तो गांव के बड़े आदमियों ने अपने ही घर में लगा लिए हैं, और अब वही पानी बेचते भी है। उनके खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत गांव में किसी की नहीं है। और वही हाल बिजली का भी है। दिन में तो 20 घंटे बिजली गायब रहती है। मैंने कितनी बार कहा है, या तो गांव छोड़ दो या आपका निकर बेचने का धंधा। अरे अब निकर बेचने में क्या समस्या है? जिस धंधे में कमाई ना हो उसमें समस्या ही होती है। आपसे कह कह के मैं थक चुकी हूँ, खाना लगा रही हूँ, तब तक आप मुँह हाथ धो लीजिए। सावन मन में ही सोचता है कि रेखा ठीक ही कह रही है, अगर उसके निकर बेचने से अच्छी कमाई होती तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे कमाने न कमाने से भी क्या फर्क पड़ेगा? आखिर गांव में तो और भी गरीब लोग मेरे जैसे हैं, जिन्हें ये सब समस्या से गुजरना पड़ता है। क्या हुआ? मैं सोच रहा हूँ मैं कल ही पानी की शिकायत करने शहर जाऊंगा। लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो? इसीलिए मैं पैदल ही जाऊंगा, तुम 2 दिन का खाना तैयार कर। अगले दिन भोर होने से पहले ही सावन शहर के लिए पैदल ही निकल पड़ता है। सावन दिन भर चलता है और रास्ते में निकर भी बेचता है, फिर थोड़ी देर रुककर कहीं आराम करता है। इसी तरह सावन सफर तय कर रहा था। एक दिन पार हो जाता है, दूसरे दिन भी सावन चलता है। अब उसके पास पानी भी बहुत कम रह गया था। वो थोड़ा आराम करने के लिए एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठता है, जो काफी हद तक सूख चुका था। बहुत धूप है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। सावन जैसे ही पानी पीने जाता है तो सारा पानी पेड़ पे गिर जाता है और पेड़ हरा भरा हो जाता है। सावन ये सब देखकर चौंक जाता है। ए अजनबी, मुझे पानी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जादुई पेड़ हूँ, लेकिन आप कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम सावन है, मैं शहर जा रहा हूँ। इसके बाद सावन जादुई पेड़ को सारी बातें बताता है। आपके विचार बहुत अच्छे और नेक हैं। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, इससे आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तब जादुई पेड़ सावन को 3 जादुई निकर देता है और इससे कहता है कि वह अपने घर वापस जाए और उन्हें जमीन में गाड़ दे, उसके बाद उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सावन वापस घर जाता है और जादुई पेड़ के कहने के मुताबिक 3 निकर को जमीन में गाड़ देता है। तभी जमीन से 3 जादुई निकर घर निकल आते हैं। पहला जादुई निकर घर जिसमें पानी का स्रोत था, दूसरा जादुई निकर घर जो बिजली का स्रोत था, और तीसरा जादुई निकर घर जो सावन के लिए था। रेखा, रेखा बाहर आओ। अरे आप कब आए और ये सब क्या है? सावन रेखा को सारी बात बताता है। इसके बाद जादुई निकर घर की मदद से गांव के हर घर में पानी और बिजली पहुंच जाती है और सावन अपने परिवार के साथ तीसरे जादुई निकर घर में रहने लगता है। सावन की तो दुनिया ही बदल जाती है। जादुई निकर घर में हर चीज की सुविधा होती है, खाने से लेकर सब कुछ। अब सावन भी बड़ा आदमी बन जाता है। एक दिन सावन के मन में एक विचार आता है।
और रेखा से पूछता है, रेखा मैं तुमसे पिछले कुछ दिनों से कुछ पूछना चाहता था। हाँ तो पूछिए। रेखा, जादुई तीन घर ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन जब भी मैं किसी गरीब या बेसहारा को देखता हूँ तो मुझे घुटन महसूस होती है। हाँ तो आप उनकी मदद कर दिया कीजिए, जिससे आपको अच्छा महसूस होगा और उन्हें भी मदद मिलेगी। तुम सही कह रही हो, मैं ही समझ नहीं पा। इसके बाद सावन जादुई निकर घर की मदद से गरीबों के लिए भोजन, कपड़े और उचित सुविधाओं की व्यवस्था करने लगता है। लोग दूर दूर से सहायता की आशा लेकर आते थे और खुशी खुशी लौट जाते थे। इधर गांव में कुछ बड़े आदमी थे जिनका पानी का कारोबार लगभग ठप हो गया था। वो लोग किसी भी हाल में सब कुछ पहले जैसा करना चाहते थे, इसीलिए आपस में बात कर रहे होते हैं। अरे किसी ने कुछ सोचा है कि ऐसे ही बस हाथ में हाथ धर के बैठना है? उस सावन ने तो हमारी दुनिया ही पलट के रख दी है। गलत बड़े भाई, सावन ने नहीं, ये कहो उन तीन जादुई निक्कर घरों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हाँ जो भी हो, पर कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो हम सब पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। उन घरों को तोड़ देते हैं, ना रहेंगे घर और न ही चलेगा कोई जादू। पर ये इतना आसान नहीं है। हाँ जानता हूँ, इसलिए मैंने मौलाना साहब को बुलाया है। उन्हें घरों की जादू चाहिए और हमें उन घरों से छुटकारा। थोड़ी देर बाद मौलाना साहब आते हैं और उनसे बातें करते हैं। फिर आधी रात को सब जादुई तीन निकर घर के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद मौलाना साहब अपने जादू से सावन और उसके पूरे परिवार को बेहोश कर देते हैं और तीन जादुई निकर घर के चारों तरफ काला धागा बांध देते हैं। फिर एक जगह बैठकर मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। इधर तीनों बड़े आदमी मन ही मन में मुस्कुराते हैं। तभी निकर घर से आवाज आती है, बंद कर ये सब और यहाँ से चले जाओ। तो मेरा जादू का असर हो रहा है। पहले तुम तीनों की जादू निकाल लूं, फिर चला जाऊंगा। तो तुम ऐसे नहीं मानेगा। तभी तीन जादुई निकर घर के चारों तरफ तेज प्रकाश निकलता है और सारे काले धागे जल जाते हैं। ये देखकर मौलाना साहब अपने जादू से एक बहुत बड़े राक्षस को प्रकट करते हैं, जिसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा होता है। जाओ तोड़ दो इन घरों को। बड़ा राक्षस हथौड़े से घरों पर चोट करता है, तब उसका हथौड़ा ही टूट जाता है और वो भी जल जाता है। ये देखकर सब डर जाते हैं और सब माफी मांगने लगते हैं। ठीक है, मैं तुम सबको माफ करता हूँ, लेकिन आज के बाद से कोई भी गलत काम कभी मत करना। इसके बाद सब चले जाते हैं और धीरे धीरे रात पार हो जाती है। हर रोज की तरह अगले दिन भी सावन और रेखा गरीबों की मदद करने में लग जाते हैं। उन्हें तो रात की बात भी याद नहीं रहती। जादुई तीन निकर घर की वजह से बुराई तो क्या, कोई बुरी ताकत भी उनके आसपास भटक नहीं सकती थी। क्योंकि जादुई तीन निकर घर की वजह से बुराई तो क्या, कोई बुरी ताकत भी उनके आसपास भटक नहीं सकती थी।